मगध सेंट्रिक विकास होता जा रहा है, मिथिला को पीछे छोड़ दिया गया है। इसीलिए हमारी मांग है कि मिथिला को एक अलग राज्य बनाया जाए। 20 चीनी मिल था, जूट मिल था, सूत मिल था, पेपर मिल था, खाद मिल था, सब बंद हो गए। आज हमारे लोग पलायन के शिकार है। हमारी बाढ़ की समस्या है, आपने कभी सुना है? भ्रष्टाचार का माध्यम बना दिया है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए कुछ हो। IIT है तो मगध में है, NIT है तो मगध में है, IIM है तो मगध में है, जो भी शैक्षणिक संस्थान है मगध में है, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ। और सबको बता दें कि मिथिला को अलग राज्य बनाने की अब मांग उठ रही है। मेरे साथ मौजूद है मिथिला स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष। क्या कुछ मांगे आप? देखिए, हमारी मांग है कि मिथिला राज्य का गठन हो। 1912 में बिहार नाम का एक राज्य बना था और उस वक्त में विभिन्न संस्कृतियों को, मिथिला, मगध, भोजपुर, संथाल, सभी संस्कृतियों को जोड़ कर एक कर दिया गया और हमको उसमें शामिल कर दिया गया। पिछले 70 सालों में जिस प्रकार से चीज़ें ऐसी हुई है कि एक मगध सेंट्रिक विकास होता जा रहा है, मिथिला को पीछे छोड़ दिया गया है। इसीलिए हमारी मांग है कि मिथिला को एक अलग राज्य बनाया जाए। अच्छा, क्या कैसे लगता है कि मतलब मिथिला को अलग छोड़ दिया जा रहा है बाकी जगहों पर? देखिए, हमारे यहाँ आज़ादी के बाद हमारे यहाँ 20 चीनी मिल था, जूट मिल था, सूत मिल था, पेपर मिल था, खाद मिल था, सब बंद हो गए। आज हमारे लोग पलायन के शिकार है। हमारी बाढ़ की समस्या है, आपने कभी सुना है? बाढ़ को इन्होंने एक इवेंट बना दिया है, भ्रष्टाचार का माध्यम बना दिया है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बाढ़ के अस्थाई समाधान के लिए कुछ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। होता ये है कि मगध में समस्या थी, उसको उन्होंने मिथिला की भी समस्या बना दिया। हमारे लिए आपको मैंने अभी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि IIT है तो मगध में है, NIT है तो मगध में है, IIM है तो मगध में है, जो भी शैक्षणिक संस्थान है मगध में, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हमें पीछे छोड़ दिया गया है, विकास के राउंड में हमारा स्थान पीछे हो गया, इसलिए हम मांग कर रहे हैं मिथिला राज्य की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ ही बता रहे थे कि सुखाड़ आया था, फिर उसके बाद सूचना देने के बाद बाढ़ आ गया। देखिए, मिथिला एक ऐसा जगह है जहाँ नदियों का बहुत बड़ा संगम है, 212 जलधाराएँ हैं, जिसके कारण ये होती है कि कई बार तो वहाँ बाढ़ आ जाता है और कई बार पानी की कमी के कारण सुखाड़ भी आता है। अभी सुखाड़ था, अचानक बारिश हुई और वो 220 जलधाराओं ने मिलकर बाढ़ ला दिया। तो ये समस्या यही है कि आप यहाँ पे पानी को यूज नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, यही समस्या है। आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्या तारीख को दिल्ली जा रहे हैं? 21 अगस्त को। 21 अगस्त जी। तो वहाँ पे कितने संख्या में लोग पहुँच? हजारों की संख्या, 5000 लोग रहेंगे करीब, न्यूनतम 5000 लोग वहाँ पे रहेंगे। संसद का घेराव होगा, वार्ता होगी केंद्र सरकार से, और अपनी मांग को सामने रखेंगे कि मिथिला राज्य का निर्माण हो। यहाँ पे अभी अपने तो मतलब इस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन लोगों से आपने इस बात को रखा? देखिए, हमारी विभिन्न प्रतिनिधिमंडल अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से वार्ता कर रही है, उनको मिथिला राज्य के मुद्दे पर बातचीत के लिए आमंत्रित कर रही है, लेकिन सरकारी तौर से हमने कभी कोई माध्यम संपर्क नहीं किया। ये राज्य सरकार, देखिए, हमारा जनप्रतिनिधि करेगा, उनको लगेगा कि यदि ये मुद्दा है तो वो आवाज़ उठाएंगे, बस यही बात। 21 अगस्त। चलिए, तो अभी आपने सुना, ये मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। 21 अगस्त मिथिला स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे ये लोग। 21 तारीख को मिथिला राज्य को अलग बनाने की मांग को लेकर ये लोग दिल्ली जा रहे हैं। और क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने वीडियो में देखिए। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।